So today's topic of discussion is the First World War and Russian Revolution. Okay? The First World War, WW1. ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1914. करेक्ट, स्टार्टेड इन 1914 एंड द होल वर्ल्ड इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. ठीक है, इन द फर्स्ट ग्रुप देयर वॉज सेंट्रल पावर. ठीक है, सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर में जर्मनी, यस जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, है ना, टर्की एटसेट्रा. ठीक है, दीज कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड एंड इट्स राइवल, दे वर एलाइड पावर्स. ठीक है, दे वर नोन एज एलाइड पावर्स, एलाइड पावर्स. They were the most important country, Russia, about whom we are going to study. Russia, Britain, France, ठीक है, फ्रांस, USA, etc. Clear? Between these two powers, the First World War was fought, ठीक है. And the most important significant feature of this war was that it was fought out of Europe. Europe से बाहर लड़ा गया, not in Europe. ठीक है, especially on the land of Russia. ठीक है, in the land of Russia and many other countries. Russia was converted into Eastern Front and Western Front. Clear? So this gave a unique situation in Russian movement. क्लियर, तो इसमें क्या था कि द ग्लोबल एम्पायर, ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर. ठीक है, एंड द वॉर वाज फॉट आउटसाइड ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट. सो इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर. ठीक है, ये वॉर रशिया में बहुत पॉपुलर हुआ एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार निकोलस सेकंड. ठीक है, एज द वॉर कंटिन्यूड ज़ार रिफ्यूज टू कंसर्ट मेन पार्टी इन ड्यूमा. ठीक है, ज़ार निकोलस सेकंड. ठीक है, निकोलस सेकंड, ठीक है, डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज एनी पार्टी. ठीक है, एनी पार्टी, अंडरस्टैंड. ठीक है, फॉर दिस वॉर, अंडरस्टैंड, ही हैड नो कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी से कोई समझौता नहीं किया. ही हैड नॉट आस्क्ड बोल्शेविक पार्टी, ही हैड नॉट आस्क्ड एनी अदर पार्टी दैट डेवलप्ड इन रशिया. ही हैड टेकन हिज ओन डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर. क्लियर, सो दिस वॉर वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट वॉर एंड यू नो द सपोर्ट मोर थिन means the support of Bolshevik party, it was nil, zero. ठीक है, उसने बिल्कुल support नहीं किया. And महात्मा, you know this man, Tsar Nicholas II, he became helpless and his policy of war, it was totally dominated. ठीक है, it was totally, you can say, influenced by the monk Rasputin. ठीक है, who came from Russia as a, you can say, dowry, एक दहेज के रूप में उसको जो है रसिया से आया था ज़रीना अलेक्जेंड्रिया के साथ. ठीक है, जस्ट लाइक रामायण में क्या था, जैसे मंथरा जो थी वो कैकेयी के साथ दहेज में आई थी ना, है कि नहीं, और उसने जो है बहुत सारा रामायण में बहुत सारे चेंजेस किए, उसी ने जो है कैकेयी के माइंड में ये सब आइडियाज इंजेक्ट किया, है कि नहीं, तब उन्होंने ये सब डिसीजन लिया भगवान राम के लिए, है कि नहीं, गॉड राम के लिए उन्होंने क्या किया था, डिसीजन लिया कि इनको वनवास मिलना चाहिए, एग्जाइल होना चाहिए, है कि नहीं. तो ये सब कहाँ से आया, क्योंकि ये आउटसाइडर थे. इसी तरीके से ज़रीना अलेक्जेंड्रिया, सी गॉट सजेशंस, अंडरस्टैंड, फ्रॉम अ मॉन्क
who came from Germany, because Zarina Alexandria was origin from Germany. उसका जो है मायका जर्मनी में था, ठीक है, वहाँ से उसकी मैरिज हुई थी, ठीक है, और वो अपने साथ एक मॉम को लेकर आया था जिसका नाम था रास्पुतिन। वो हमेशा जो है जर्मनी के फेवर में एडवाइस देता था, ठीक है, क्योंकि वो उसका नेटिव प्लेस था, इसलिए वो चाहता था कि जो है क्या कहते हैं जो भी सीक्रेट्स होते थे आर्मी सीक्रेट्स, जो भी पॉलिसीज होती थी ज़ार निकोलस सेकेंड के, वो सब लीक कर देता था, ठीक है। एंड जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्परर, ठीक है, एंड जर्मन आर्मी, दे वर बेनिफिटेड विद दिस सीक्रेट, ठीक है, एंड दे कास्ट दिस सीक्रेट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और वेस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है, रसिया वॉज टोटली डिफीटेड, पूरी जर्मन आर्मी ने रशियन आर्मी को एकदम ख़त्म कर दिया वहाँ, बिकॉज दे हैड गॉट सीक्रेट्स ऑफ रशियन आर्मी, उनको सारा सीक्रेट पता चल गया था, एंड दे हैड ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट विद देयर आर्मी, एंड दे हैड यू कैन से ऑक्यूपाइड दोस प्लेसेस, उस सारे जगह को घेर लिया था उन्होंने जर्मन पीपल, अंडरस्टैंड। एंड इन दिस वे द यू नो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकेम वेरी क्रिटिकल वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो यही था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों वार पे डिफरेंट रिजल्ट्स आए, क्लियर। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट दे वर टोटली डिफीटेड, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट पे पूरी तरह से नहीं डिफीट हुए बट दे वर ऑलमोस्ट डिफीटेड, क्लियर। एंड दिस वॉज इंसल्ट ऑफ रसिया एंड बोल्शेविक लीडर्स, दे क्रिटिसाइज ज़ार निकोलस सेकेंड पॉलिसी, इट वॉज द यू नो मोनोपोली, मतलब वो उनकी मनमानी थी, ठीक है, इट वॉज मोनोपोली ऑफ ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है। दे थॉट दैट दिस यू नो मोनार्ची रूलर ही हैज रुइंड यू नो रशियन नेचुरल रिसोर्सेज, रशियन नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से रुइन हो चुका था सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और यही बोल्शेविक लीडर्स, दे कन्विंस्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि यू शुड अपोज दिस रूल, यू हैव टू ओवरथ्रो मोनार्ची रूल बिकॉज दे आर क्रिएटिंग डिजास्टर टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल्स फील्ड्स दे वर टोटली डिसरप्टेड, devastating effects were there, means the Russian tanks, German tanks, they had thrown bombs, ठीक है, and whole crops, they were burned, पूरा crop का crop एकदम burned हो जाता था, forest were burned, ठीक है, it was totally, you know, large deep, you can say, pits had been developed, ठीक है, जहाँ पे cultivated land था, जिसपे खूब अच्छा सा crop grow होता था, now it had been converted into valleys, deep valleys, ठीक है, it became totally unfertile, the soil of Russia, it was mixed with gunpowder, उसमें बारूद मिक्स हो गया, ठीक है, and it was totally mixed with bullets, ठीक है, and the fertility of soil was totally reduced, and natural resources of Russia, especially forest, it was totally depleted. ठीक है, सो बोल्शेविक लीडर्स दे कन्विंस पीपल दैट सच टाइप ऑफ मोनार्की शुड बी ओवरथ्रोन एज सून एज पॉसिबल, है कि नहीं। तो इसका एक इफेक्ट पड़ा और पूरे के पूरे रसिया के लोग जो थे वो पूरी तरीके से बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन के फेवर में आ गए। एंड उसके बाद रशियन रॉयल आर्मी, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया स्ट्रीम रोलर, ठीक है, रशियन स्ट्रीम, रशियन स्ट्रीम रोलर, इन योर बुक पिक्चर हैज बीन ड्रॉन, ठीक है, यू आर वॉचिंग इन दिस पेज, ऑन पेज नंबर 34, ठीक है, देयर इज अ पिक्चर, सोल्जर्स आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दे हैव यू नो मेड स्ट्राइक, दे हैव लेफ्ट द सर्विस ऑफ ज़ार निकोलस सेकेंड बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ ज़रीना अलेक्जेंड्रिया, रशियन आर्मी लॉस्ट द बैटल ऑन वेस्टर्न फ्रंट, दैट्स वाई दीज पीपल दे बिकेम फ्यूरियस, दे थॉट वी आर हेल्पलेस, मोस्ट ऑफ आवर कॉलीग्स दे आर किल्ड इन दिस वॉर एंड इट इज अ क्राइम, इट इज अ मर्डर, इजंट इट,
That's why the people of Russian steamroller, they came in the meeting of Vladimir Lenin. ठीक है, लेनिन की मीटिंग में आए और वहाँ पे इन्होंने जा करके पूरी तरीके से उनकी मीटिंग्स को पार्टिसिपेट किया. दे फेवर्ड यू नो व्लादिमीर लेनिन एंड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग फेथ. ठीक है, दे हैड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग फेथ इन व्लादिमीर लेनिन्स लीडरशिप. दे थॉट बॉल्शेविक एक्शंस कैन लिबरेट रशियन फ्रॉम मोनार्ची रूल. है कि नहीं, रशियन के लोगों को मोनार्ची रूल से हमें छुटकारा अगर कोई दिला सकता है तो दैट इज द लीडर ऑफ बॉल्शेविक ग्रुप. ठीक है, मिस्टर लेनिन ही हैज गुड विजन. है कि नहीं, और यहीं पे जो है क्योंकि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एंड हुआ, ठीक है, तो इधर क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, हाँ, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया पूरी तरह से जीत गई. ठीक है, एंड देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज. कैजुअलिटीज मीन्स किलिंग. ठीक है, 7 मिलियन पीपल डाइड. 7 मिलियन मीन्स 7 क्या गए, हाउ मेनी जीरो, 6 जीरो, दैट इज 7 मिलियन. ठीक है, सच ह्यूज कैजुअलिटी टू प्लेस बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड यू नो द डिफेंसिव द पॉलिसी ऑफ मोनार्ची रूलर. ठीक है, इट वॉज टोटली हेटेड बाई कॉमन पीपल. हर कोई इससे घृणा करने लगा कि इतनी लार्ज कैजुअलिटी एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से, अलेक्जेंड्रिया क्या कहता है जरीना के यहाँ से सीक्रेट लूज हो जाने की वजह से रशियन आर्मी वॉज टोटली डिफीटेड. सच अ ह्यूज कंट्री वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ वेरी यू कैन से इट वॉज अ कॉन्स्पायरेसी. यू कैन से एक तरीके से ये षड्यंत्र था. है कि नहीं, तो इन दिस वे 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रसिया. ठीक है, वो सब के सब जो है जो सब देवर जर्मन वहाँ के छुप गए थे आके रसिया में. एंड दे वर वेटिंग फॉर द चांस. वो चाहते थे कि ज़ार निकोलस सेकेंड को किसी तरह से हटा करके ज़ेरिना अलेक्जेंड्रिया को यहाँ का क्वीन बना करके और पूरा जर्मनी का जो है फ्लैग यहाँ पे हॉइस्ट कर देंगे. ठीक है, दे हैड डिसाइडेड. ठीक है, लेकिन ज़ार निकोलस सेकेंड ही वॉज हेल्प बाई बॉल्शेविक लीडर. ठीक है, बॉल्शेविक लीडर्स एडवाइज्ड हिम दैट यू आर कॉन्स्पायरेटेड, आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है. ठीक है, यू शुड डायरेक्टली यू नो मेक अटैक्स ऑन वेस्टर्न फ्रंट. तब जो है क्या कहते हैं, ज़ार निकोलस सेकेंड ऑर्डर्ड हिज आर्मी एंड दे यू नो यूज रशियन टैंक्स. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ रशियन टैंक्स दे डिस्ट्रॉयड टोटल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, जहाँ भी फॉरेस्ट जहाँ जहाँ छुपने की जगह थी वहाँ वहाँ उन्होंने अपने टैंक से बम्बार्डमेंट किए. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने थे जहाँ पे जर्मन रेफ्यूजीज छुप सकते थे, ठीक है, दे वर डिस्ट्रॉयड टोटली. ठीक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज दे वर डिप्लीटेड. ठीक है, तो ये एक रॉन्ग एक्शन थे. ठीक है, एंड द वॉर वॉज हैड अ वेरी सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, पहला क्या था, इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी. ठीक है, इंडस्ट्रीज लॉक्ड, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी लॉक्ड हो गई, बंद हो गई. ठीक है, जैसे कॉटन मिल्स, ठीक है, फूड ग्रेन एग्रो प्रोडक्ट्स यहाँ बनते थे, वो सब लॉक क्यों हो गए, क्योंकि ऑल फैक्ट्रीज दे वर बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग वार लाइक मटीरियल. हर फैक्ट्री में बुलेट बनने लगा, हर फैक्ट्री में मशीन गन बनने लगा, हर फैक्ट्री में टैंक के पार्ट्स बनने लगे. ठीक है, अब क्योंकि वहाँ उसकी डिमांड थी, है ना, गन पाउडर बनने लगी. ठीक, अब जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज थी सब बंद हो गई क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था. है कि उन्होंने भी जो है गन फैक्ट्री लगा दी. ठीक है, और उसको खूब सेलिंग होती थी. तो इस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज वॉज टोटली अफेक्टेड एंड रसियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर. ठीक है, एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाई जर्मन कंट्रोल फ्रॉम बाल्टिक सी. बाल्टिक सी रसिया और जर्मनी के बीच में बाल्टिक सी पड़ता है. ठीक है, उसी बाल्टिक सी के थ्रू वाटरवे से जर्मनी और रसिया का ट्रेड चलता था,
और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो अब सारा ट्रेड क्या हो गया, बंद, ट्रेड रिलेशन वाज टोटली अफेक्टेड, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हुआ, ट्रेड रिलेशन, ठीक है, ट्रेड रिलेशन बिटवीन रसिया एंड जर्मनी ठीक है, बिकेम बिटर, ठीक है, बहुत कड़वाहट आ गई है ना उनका जो ट्रेड रिलेशन था, वो कड़वा हो गया, बिटर हो गया। अब क्यों एक दूसरे को सप्लाई करें, दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, वाई दे विल डू ट्रेड रिलेशंस, है कि नहीं, दे विल सप्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज, है कि नहीं। तो ये एक इफेक्ट था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर, ठीक है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड। तीसरा इफेक्ट क्या पड़ा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मतलब सड़ गए, जंग लग गया, डिसइंटीग्रेटेड। जब वर्ल्ड वार चालू हो गया तो सारे यूथ दे वर रिक्रूटेड इन आर्मी, ऑल वर्किंग मेंबर्स, सबको कहा भैया फैक्ट्री में ही काम करना, चलो ठीक है, सबको ट्रेनिंग दे दी गई, हाउ टू रन मशीन गन, ठीक है, कैसे ऑपरेट करना, टैंक कैसे ऑपरेट करना है, सबको फटाफट ट्रेनिंग दी और फर्स्ट वर्ल्ड वार में झोंक दिया ले जाके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब जो फैक्ट्री बंद हो गई, अब जब कोई फैक्ट्री चलेगी नहीं, उस पर कभी कपड़ा नहीं लगेगा, है कि नहीं, तो जंग लगेगा ही, उसकी कभी ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं होगी, तो उसके जो भी पार्ट्स हैं सब जाम हो जाएंगे, है कि नहीं, और धीरे धीरे उसमें जंग लग करके सब खराब हो जाएंगे, है कि नहीं, धीरे धीरे पोराइजन हो जाएगा उसका, है कि नहीं, केमिकल एक्शन होगा उस पर। तो इस तरीके से रसियन जितने भी थे, रसिया के जितने भी फैक्ट्रीज थी, दे वर टोटली डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेट होना मतलब their quality were reduced, ठीक है, and their functioning, they were poor functioning हो गई, मतलब एकदम से बंद हो गया, क्लियर। और इस तरीके से वहाँ पे और क्या होगा, एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू वार, ठीक है, एबल बॉडीड मैन, जो एबल बॉडीड थे, एबल बॉडीड मैन केम इन वार, ठीक है, जितने जिनके हाथ पैर सही थे वो सब उनको वार में भर्ती कर लिया गया, वही लूले लंगड़े बचे होंगे जिनको नहीं भर्ती, जिनका हो पाया होगा, है कि नहीं, अंधे उंधे जो रहे, है ना, बाकी लोग क्या हुए, सबके सब वार में आपके क्या हुए, रिक्रूट हो गए। तो इससे हमारे वर्किंग मेंबर्स की कमी हो गई, एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप्स वर कोलैप्स, ठीक है, देर वॉज नो बड़ी टू लुक आफ्टर क्रॉप्स, खेत में पड़े पड़े ही सब खराब हो गए, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने वाला नहीं मिला, कोई इरीगेशन करने वाला नहीं मिला, कोई उस क्रॉप को काटने वाला नहीं मिला टाइम से, ठीक है, उसी फील्ड में ही वो पड़े पड़े सारे क्रॉप्स हमारे एकदम हार्वेस्टिंग ही नहीं हो पाए, ठीक है, बीच बीच में उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का लुक आफ्टर नहीं किया गया, तो डेफिनेटली क्रॉप को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या हाल होगा उसका, उसमें खाद नहीं जा रही है, ठीक है, तो खराब हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर ठीक है वाज अफेक्टेड, पूरी तरीके से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर अफेक्टेड हो गया, बिकॉज वर्किंग पीपल दे वर रिक्रूटेड इन आर्मी, है कि नहीं, नोबडी वाज देयर टू लुक आफ्टर क्रॉप्स, ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें और इफेक्ट क्या हुए, लेबर शॉर्टेज हो गया, ठीक है, देयर वाज लेबर शॉर्टेज, और क्या इफेक्ट हुआ, लेबर शॉर्टेज, ठीक है, फैक्ट्री में लेबर की शॉर्टेज डेफिनेटली पड़ जाएगी, कोई काम ही करने वाला नहीं बचा, फैक्ट्री बंद, है कि नहीं। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंड टू फीड आर्मी, ठीक है, इससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो गया, शॉर्टेज ऑफ
फूड ग्रेन की कमी हो गई, क्यों? बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ फूड ग्रेन वर सेंट टू आर्मी टू फीड देम। आर्मी में जो लड़ाई कर रहे हैं उनको राशन चाहिए ना खाने पीने के लिए, कैसे लड़ेंगे, है कि नहीं? तो पता लगा कि जो हमारे, एक तो पहले ही बहुत कम हमारा क्रॉप हुआ, ऊपर से जो हुआ भी वो आर्मी के लिए चला गया, बाकी लोग दे वर हेल्पलेस, दे सफर्ड फ्रॉम हंगर, ठीक है, सब भूखे रह गए, देयर लाइफ बिकेम हार्ड, ठीक है, दे हैड टू स्किप देयर मील्स। अब उनको जो है एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाते, है कि नहीं? मीन्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रशिया दे सफर्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मीन्स दे हैड सफर्ड फ्रॉम डेफिशियंसी डिजीज, ठीक है, एंड देयर हेल्थ वॉज कम्प्लीटली अफेक्टेड, ठीक है, एंड द वर्किंग पीपल नाउ देयर प्रोडक्शन टोटली रिड्यूस।